नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आई नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम। बालाघाट श्रमिकों की मांगे पूरी किए जाने की उठाई मांग। 1 दिसंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल की दी चेतावनी। भारतीय मजदूर संघ से जुड़े श्रमिक संगठनों ने टीकमगढ़ में अपनी विभिन्न मांगों को लेकर 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन करते हुए सामूहिक हड़ताल की और रैली का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में मजदूर संगठनों ने श्रम कानूनों में किए गए बदलाव का सामूहिक तौर पर विरोध किया। वहीं विभिन्न मांगों को लेकर जोर शोर से अपनी आवाज बुलंद की। इस अवसर पर नगर में रैली निकालकर टीकमगढ़ में कलेक्ट्रेट का घेराव भी किया गया। भारतीय मजदूर संघ के जिलाध्यक्ष राजेश वर्मा ने कहा कि यदि हमारी मांगों का यथाशीघ्र निराकरण नहीं हुआ तो 1 सितंबर से सभी मजदूर संगठनों द्वारा सामूहिक हड़ताल की जाएगी। होश में आओ, होश में आओ। प्रदेश सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। मजदूरों पर अत्याचार शोषण बंद करो, बंद करो, बंद करो। मजदूरों पर अत्याचार के द्वारा जो है क्या सामूहिक हड़ताल की गई है, किन मांगों को लेकर है और क्या उद्देश्य है इनको? भारतीय मजदूर संघ के राष्ट्रीय आह्वान पर मजदूरों की प्रमुख मांगों को लेकर, जिसमें श्रम कानूनों में जो सरकार द्वारा बदलाव किया गया है उस बदलाव को जो है यथावत रखा जाए और श्रम कानूनों में जिस तरीके से जो संशोधन किया है उससे मजदूरों का बहुत ज़्यादा हनन हो, इसलिए संपूर्ण देश के हर क्षेत्रों में काम करने वाले संगठित या असंगठित क्षेत्रों में काम करने वाले मजदूर जो है आज पूरे राष्ट्र में लाखों की संख्या में जो है मजदूर आज सामूहिक हड़ताल पर हैं। और ऐसी परिस्थिति में बालाघाट जिले में भी, बालाघाट जिले के हर क्षेत्रों में संगठित असंगठित क्षेत्रों में औद्योगिक क्षेत्रों में काम करने वाले मजदूर, आशा कार्यकर्ताएँ, स्व सहायता समूह की रसोईयां, मद भंडार में काम करने वाले मजदूर, चालक परिचालक, वन सुरक्षा श्रमिक, नर्सरी के श्रमिक, छात्रावासों में काम करने वाले मजदूर जो हैं, नगर पालिका क्षेत्रों में काम करने वाले मजदूर जो हैं, यहाँ पे स्थानीय मांगों को ले और राष्ट्रीय स्तर की मांगों को लेकर जो है आज एक दिवसीय सामूहिक हड़ताल पर है। आज इस सामूहिक हड़ताल से नगर पालिका, वन सुरक्षा, वन विभाग के सुरक्षा श्रमिक, नगर निगम के कर्मचारी और आशा कार्यकर्ताएँ और सोने की रसोईया पूरे तरीके से ऐसे लगभग करीब 40 से 50 हज़ार मजदूर जो हैं जो आज सामूहिक हड़ताल पर हैं। और आज काफ़ी मात्रा में मजदूरों का यहाँ पे बस स्टैंड में आए हुए हैं और सभी लोगों ने अपनी मांगों को रखा हुआ है और रैली के माध्यम से हमारे कलेक्टर महोदय का भी ध्यानाकर्षण करेंगे। इसमें हमारा सबसे प्रमुख मांगे ये है कि श्रम नियमों में बदलाव को है उसको परिवर्तित किया जाए। दूसरा जो है लॉकडाउन पीरियड का पैसा जो है वेतन जो है सरकार के नियम है, उच्च न्यायालय ने भी अपना एक वो दिया हुआ था कि लॉकडाउन पीरियड का जो है मजदूरों का पैसा दिया जाए, लेकिन अभी तक नहीं दिया गया। ऐसी परिस्थिति में उनको लॉकडाउन का पीरियड का पैसा दिया जाए, चालक परिचालक हैं हमारे उनको पैसा दिया जाए, आशा कार्यकर्ताओं को केंद्र सरकार और मध्य प्रदेश सरकार द्वारा ये किया जाए, इनकी भूमिका जो है स्वास्थ्य विभाग के प्रति काम करने में जो है इनकी अहम भूमिका है, इसलिए इनको भी जो है 10,000 रुपये का अग्रिम दिया जाएगा। ये सब मामले को लेकर जो है आज की सामूहिक हड़ताल आयोजित की गई है। खबर समय जगत के लिए बालाघाट से संजय अजीत की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।